Jamshedpur. उस केस से देखो मेरे नबी की उम्मत पढ़ रही है, मेरे नबी का फखर है ये। ये इस वक्त जो है अख्तर यूसुफ साहब के घर में मैं मौजूद हूँ और ये उनके बच्चे हैं और उनके जो है बांदे और भतीजे भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और ये तकरीबन हमारा एक दिन हो गया हैदराबाद में, तकरीबन ये दूसरी रात है हमारी। तो ये बच्चे जो है बहुत वक्त से इंसिस्ट कर रहे थे कि जी आप हमें कोई लेक्चर सुनाएं, कोई कहानी सुनाएं। तो अभी मैं इनसे बैठ के ये पूछ रहा था कि कौन सी कहानी सुनी, तो ये कह रहे कोई डरावनी कहानी सुनाए हमें। तो ये बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, तो चले इकट्ठा हो गए हम, समझे इनसे बातचीत भी कर लेंगे। और कोई कहानी हुई, सर जी भी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला इनको कोई कहानी सुनाएंगे। और उसके बाद जो है ये बच्चे कहेंगे कहानी सुनानी है वरना हम आपको सुने नहीं देंगे। कहानी सुनाएंगे इनको, उससे पहले इनसे इनका तारुफ जान लेते हैं और हर एक से जो है हम इनका नाम ज़रूर पूछेंगे। आपका नाम क्या है जी? तेज बोले हैं, उसमें आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जैद। आपका नाम क्या है? फरवा। फरवा, और सबसे ज़्यादा बातचीत ये करती है, इनमें से सबसे ज़्यादा तेज़ ये है। आपका नाम क्या है जी? खिदर। और ये सबसे ज़्यादा खामोश होते हैं, लेकिन ये जो है वो कहते हैं ना छुपे हुए रिश्तों में, खामोश होते हैं लेकिन शरारती ये सबसे ज़्यादा करते हैं। फिर ये आपका नाम क्या है जी? याया। माशाल्लाह। और आपका नाम क्या है जी? हानिया। हानिया, अच्छा आपका नाम क्या है? असदुल्ला। असदुल्ला, और आपका? अनाया। अनाया, और वो अख्तर यूसुफ साहब भी आ गए हमारे पीछे। आ जाओ आप भी, आ जाओ आप भी, आ जाओ। अख्तर साहब, बच्चे इंसिस्ट करें कि कोई कहानी सुनाएं, तो मुझे तो नहीं आती, आपको तो बहुत कहानियाँ आती हैं, आ जाएँ कुछ सुना लें इनको। हम बचपन में पढ़ा करते थे कहानियाँ दोस्तों के साथ ये घर में अक्सर, वो सारी भूल चुका हूँ मैं। हम बचपन में करते थे फिर भूल चुका हूँ मैं। हमने तो कहानियाँ भी किससे सुना सर, किससे आ जाए सुना ले बच्चों को, इंसिस्ट कर रहे हैं बेचारे। ये बोलते हैं, बोले बोले क्या बोलते हैं? थोड़ा सा भूल गए। नहीं खैर बता दे बता दे, वो माइंड नहीं करते चलेंगे। हाँ जी सर, चलो हम खपश हो जी लाड़ो। चलो चल तासु लसे किसे दर्जी तासु किसे लगे किसे दर्जी स्कूल तसे स्कूल तसे स्कूल के होबम कहानी ने डेरी वेली का ना अल तो तासु तखी कहानी अल तासु पढ़ाया नहीं का पढ़ाई कैसे पढ़ी क्या दारा तो आया उर्दू ना दर्जी राजी का हाँ फिर उर्दू में बात करो। चलो क्या पढ़ते हो स्कूल में? जो हार्ड काम होते हैं वो रीडिंग सुनाते हैं फिर काम। हाँ रीडिंग। चले ये बताएं आपने क्या रीड किया अभी तक? कहानियाँ तो बहुत रीड की होंगी आपने, कोई कहानी तो जरूर सुनानी होगी। कोई कहानी रीड नहीं की? बिल्कुल भी नहीं की। कहानियाँ मैं नहीं पढ़ती। कहानियाँ नहीं पढ़ती आप? कुछ तो पढ़ा होगा स्कूल में, कहानियों की बुक होंगी। चले कहानियाँ नहीं, उसके अलावा तो कुछ पढ़ा होगा। हाँ पढ़ी हुई आपके पास, और फिर भी आप नहीं सुना रहे। चलिए ये टास्क मैं आपको देता हूँ, इन सब बच्चों को आपने इकट्ठा करके एक कहानी सुनानी है, ठीक है? आप हर रोज आया करें इनके पास बैठा करें, सही है? और ये जो है सर जी, ये आप इनको इसको हर रोज कोई किस्सा वाक्य बताइए करें, और ये फिर आके इन सब बच्चों को सुना दिया करेंगे, सही है? सुनाते हैं जहाँ एंड करने लगते हैं, अच्छा फिर क्या हुआ जी, और भाई फिर ये हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। वो आदमी जो है ना नफसियाती तौर पर ऐसा हो जाता है, फिर दिल करता है कि वो एक दो दफा तजर्बे किए अब नहीं सुनाता हूँ। एंड नहीं चाहते, ये चाहते ही नहीं है कि उसका एंड हो। एंड हो, सही। हाँ, ये आखिरी बात
का जो वो एक फलसफा है ना, बिल्कुल एक खुदी का फलसफा है। अच्छा ये भी खुदी की एक वो है जी, फलसफा है अपनी जगह, ये भी एक फलसफा। आखिरी बात जो है, किस टाइम सोते हो आप लोग रोज? 11 बजे सोते हो? जब स्कूल जाते हो सब बजे। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी एक, अभी एक बज रहे हैं। आपने 11 बजे का कहा था? दो बज रहे हैं। ओ हो, और अभी तक आप लोग नहीं सोए? और इस वक्त तक हम, इस वक्त तक हम आधी नींद कर चुके होते हैं अपने। लेक्चर सुना दे, ये लेक्चर सर जी सुनाएंगे। सर जी ने माशाल्लाह, सर जी ने माशाल्लाह आज बड़े लेक्चर दिए। ये कैमरा, ये हैंडल, ये मैं ऐसे पकड़ लूँगा और सर जी ने आपको कहानियाँ भी सुना देनी है, लेक्चर्स भी सुना देंगे और हम सब सो जाएंगे, सही है? और आप सर जी के साथ जागे रहें। अभी हम इस वक्त हैदराबाद से निकल चुके हैं, कराची की तरफ जा रहे हैं। और कराची इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उनसे, उनके दारुल उलूम में मुलाकात है हमारी। और उसके बाद जो है दारुल उलूम का भी हम एक छोटा सा विज़िट करेंगे। और बस अभी हम निकल चुके हैं और कराची की तरफ रवाना हो रहे हैं, और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के अंदर जो है हम कराची पहुँच जाएंगे। का पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ पर बड़े बड़े उलमा इकराम मदफून हैं। मुफ्ती शफी साहब भी, अच्छा आजम पाकिस्तान के, अच्छा मौलाना अब्दुल हय आरफी साहब भी बड़ा नाम थे, बहुत बड़े मशहूर थे। जी मौलाना अजीज मिट्टी साहब भी बड़े मारूफ आदमी हैं। एक और है यहाँ पे दारुल उलूम में, और यहाँ पे जुनैद जमशेद शहीद की जो है कब्र है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। ये कबर है, और उनके इर्द गिर्द जो है जितने भी उलमा हैं और दारुल उलूम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन सभी की कबर भी यहाँ पर मौजूद है। ये जुनैद जमशेद साहब की रहमतुल्लाह अलैह।